अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका दोस्त अबूबकर सिद्दीक। आज मैं बनाऊंगा इडली के साथ चटनी। इडली कैसा बनाते हैं मैं बतलाता हूँ। ये देखिए, इडली का रवा बारीक बाजार में आसानी से मिल जाता है। इसे 1 किलो तक ले लेंगे, 4 गिलास। इडली का रवा 1 किलो है। अब लूंगा मांस की दाल 1/4 किलो। एक किलो रवा और 1/4 किलो मांस की दाल। अब मांस की दाल को भिगने रख दूंगा। ये देखिए, मांस की दाल मैंने भिगो कर रख दिया था, 4 घंटे तक का भीग कर रखना है। ये देखिए, भीग चुकी है। अभी से मैं पेस्ट बना लूंगा। अभी से मैं पीस लेता हूँ दाल को। ये देखिए कैसा पेस्ट बन गया है। पूरी दाल को ऐसे ही पीसेंगे। ये देखिए, दाल पीस लिया मैंने। अभी से ऐसा ऐसा रवा डाल कर मिक्स कर लेंगे। हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स कर लूँगा। ये देखिए, मिक्स कर लिया हूँ मैं दो भी पानी डालकर। अब इसे 12 घंटे के लिए भिगने रख देते हैं। उसके बाद मैं इडली बनाता हूँ। ये 12 घंटे हो चुके हैं। ये देखिए कैसा बन गया है पेस्ट पूरा। ये देखिए, इडली का बैटर अच्छे से मिक्स होकर 12 घंटे के लिए भीग गया है। अब देखते हैं अब चटनी के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है मैं बतलाता हूँ। ये देखिए, फल्ली, तिल, राई, इमली है, कोदमीर, करियापाक, लहसुन। अब बनाता हूँ चटनी। चटनी से पहले मैं इडली बना लूँगा। उसमें थोड़ा सा नमक डालूँगा 1 चम्मच। इडली बनने तक मैं चटनी बना लूँगा। ये देखिए, इडली का कुकर। अभी से मैं इसमें तेल लगाकर इडली डाल दूँगा। ऐसे ही करके मैं इडली चूल्हे पर रखकर 15 मिनट के लिए पकने रख दूंगा। ये देखिए, मैं तेल लगा लिया हूँ। अब इसमें इडली का बैटर डालूंगा।
ऐसे ही करते मैं पूरा कर दूंगा और 15 मिनट के लिए रख देता हूँ चूल्हे पर पकने के लिए। ये देखिए अब मैं कुकर में आधी गिलास पानी डालता हूँ, उसके बाद मैं स्टैंड रख कर 15 मिनट के लिए पकने रख देते हैं। ये देखिए कुकर मैंने चूल्हे पर रख दिया है, धीमे आंच पे 15 मिनट के लिए पकने रख देंगे। जब तक इडली पकती है मैं चटनी बना लूंगा। चूल्हे पर मैंने कड़ा चढ़ा ली है, अब डालूंगा इसमें फली, इसे अच्छे से भून लेंगे। फली मैंने भून लिया है, अब भूनूंगा तिल। चटनी बना लेता हूँ मैं, इसमें डालूंगा, आप पीस लेता हूँ मैं, फली डालूंगा और लहसुन। अभी से ग्राइंडर में पीस लेता हूँ। अब मैं तिल पीस लूंगा। बड़े से जार में मैंने फली और तिल पीस लिए, उसे डाल लिया हम। अब डालूंगा इसमें आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच मिर्च, लाल मिर्च पाउडर। अब डालूंगा इसमें इमली का जूस। अब इसमें डालूंगा पानी थोड़ा सा। अब इसे पीस लेता हूँ। ये लाल मिर्च की बना रहा हूँ मैं, हरी मिर्च की भी बनाए तो अब चलता, मेरे कन हरी मिर्च की है इसलिए। ये देखिए चटनी बन चुकी है, अब इसे बघार लेता हूँ। ये देखिए लाल मिर्च की चटनी है और ये देखिए हरी मिर्च की चटनी है। अब इसमें मैं बघार डालता हूँ। ये देखिए चटनी रेडी है, अब इडली को देखते हैं। ये देखिए इडली बन चुकी है गर्मा गर्म, अब इसे मैं निकाल लेता हूँ। ये देखिए गरम गरम है, अब निकाल लेता हूँ इडली को।
ये देखिए कितने गरम गरम है और सॉफ्ट सॉफ्ट है। देखिए ये देखिए इडली और दो चटनियाँ, अब इसे खाएंगे। देखिए बच्चा पार्टी तैयार है इडली खाने के लिए। Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa zidna khairan min bismillahi wa la barakatillah. हसन भाई इडली कैसे बनी? माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत ही लजीज, बहुत ही जबरदस्त। चलो खाओ जल्दी। खाओ चलो। बहुत अच्छी बनी है। बच्चा पार्टी के साथ इडली का नाश्ता कैसा लगा कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। अस्सलाम वालेकुम।